नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल मिहानी। दोस्तों, आज का हमारा विषय है बात करने का कि पिता की संपत्ति पे लड़की का कितना हक होता है। दोस्तों विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे घंटी बनी होगी उसको बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगी। दोस्तों आइए विषय पर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पिता की संपत्ति मतलब पुश्तैनी संपत्ति पे लड़का और लड़की का कितना हक है, ये मेरा आज का विषय है। दोस्तों द हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 सेक्शन 6 में ये दर्शाया गया है कि जितना हक पुत्र का है उतना ही हक पुत्री का भी है। ठीक, मतलब कि एक पिता माता पिता के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। पिता और माता की मौत के बाद लड़का को उतना ही हक है जितना लड़की को है, मतलब 50% 50%, मतलब आधा लड़का को आधा लड़की को। उदाहरण तौर पे एक और बातें करते हैं, अगर पिता की संपत्ति 1,00,000 रुपए है तो वो संपत्ति में दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो 50,000 पुत्री का और 50,000 पुत्र का। ठीक है, अब आइए एक और उदाहरण लेके बात करते हैं, अगर 3 बच्चे हैं, 2 पुत्री 1 पुत्र। दोस्तों, अगर पिता की संपत्ति है और पिता की संपत्ति के बाद 3 बच्चे उनके हैं, 1 पुत्र 2 पुत्री, तो सब में बराबर बराबर हिस्सा डिवाइड होगा। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि अगर पिता पहले से ही संपत्ति किसी के नाम लिख दे कि मेरा ये संपत्ति मेरे पुत्र के नाम पे है, ये मेरी संपत्ति पुत्री के नाम पे है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। अगर नाम नहीं किया हुआ, सिर्फ पिता के नाम पे है या माता के नाम पे है, तो वो उसमें बराबर बराबर हक पुत्री का होता है जितना पुत्र का होता है। इसमें जो लड़की है मतलब पुत्री जो है वो मुकदमा भी कर सकती है, सेफ मतलब केस भी कर सकती है। दोस्तों मेरा ये आज का विषय था आप लोग को जानकारी देने के लिए। जितनी माताएं बहनें हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उनके पिता की जो संपत्ति है उसमें उनका उतना ही हक है जितना उनके भाई का है। ठीक है दोस्तों, मेरा विषय आज का समाप्त होता है। दोस्तों, और मेरी कोई बातें समझ में ना आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।